राम। जोर से बोलिए राम राम। जो हमने आज राम कथा सबने सुन रहे हैं इतने दिनों से, इसका मतलब यही है राम जी ने हमें क्या सिखाया है। राम जी ने ये, हम राम जी की कथा से ये सीखते हैं, राम जी ने ये बताया है कि भाई के साथ भाई को कैसे रहना है, माँ के साथ कैसे रहना है भाई को, कि माँ के एक हुक्म से उन्होंने वनवास ले लिया। ते सच है ताके हिरते आप, जो हमारी निंदा करे उस पे कभी गुस्सा नहीं करना, उनके पैर चूमने हैं कि तुम और हमारी निंदा करो, क्योंकि वो निंदा करता जाएगा हम डाउन टू अर्थ होते होते। हमें आगे बढ़ना है, हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी। अगर हम लड़ाइयाँ करेंगे तो हम लड़ाइयाँ करते रह जाएंगे। हमें उनकी निंदा सुन सुन के द शो मस्ट गो ऑन। एनी बैड एक्सपीरियंस इज द लर्निंग पॉइंट। हमें जो भी कोई बैड बात कहता है उसको अगर सुन के तो हम तो फिर उसी के जैसे हो गए कि वो कह रहा नो, द शो मस्ट गो ऑन। अपना शो अगर हम सच्चे हैं तो हम शाह जाएंगे, अगर हम झूठे हैं तो उनके जैसे जो निंदा करने वाले उनके जैसे तड़पते रहेंगे। हमें तड़पना नहीं है, हमें कोई उकसाए तो हमें उकसना नहीं है, हमें अपना काम सच्चाई से करते रहना है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। और दिन तक कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। ये जो गा रहे हैं, जिन्होंने आज राम कथा जो गा रहे हैं, इनको मैं बहुत ब्लेसिंग देती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और सबको राम कथा सुनाए। इनकी आवाज़ में बहुत रस है, तो मेरी ब्लेसिंग हमेशा इनके साथ रहेगी और शायद हम भी राधे माँ पैलेस में हम भी इनकी एक कथा कराएंगे। ये मेरे दोनों बच्चे हैं, तो इन बच्चों को भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ये बहुत अच्छी अच्छी रूह होती है जो ऐसे धर्म कर्म कराते हैं। इसीलिए ये पृथ्वी चल रही है, धर्म कर्म हो रहे हैं, इसीलिए ही ये पृथ्वी चल रही है। तो इन बच्चों को भी मैं बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, ये हमेशा खुशियों से भरे रहें और ऐसे नेक काम करवाते रहें, और मेरी ब्लेसिंग इनके भी साथ है। और आप सबके सामने में था, और आज का दिन खास करके जो हमारे राधे गुरु माँ जी आई थी, उनका आशीर्वाद हमको मिला हमारे जन्मदिन के मौके पर। और आज यहाँ प्रसंग भी सीता विवाह का प्रसंग था, उसमें सीता माँ का साक्षात प्रकट हो जाना ये भी एक संयोग था। ये भी हमने निश्चित नहीं किया था कि 23 तारीख को ही माँ आएंगी, ये हमने कोई निश्चित नहीं किया था, ये संयोग था। कल सीता विवाह का होने वाला था, राम विवाह का प्रसंग, लेकिन ऐसा संयोग बना कि कल राम विवाह का प्रसंग नहीं हुआ, आज हुआ और आज राधे गुरु माँ भी आई। तो ये सब ईश्वर की कृपा है और उन्हीं की कृपा से ये सब चीज़ संभव हो पाता है। ये हमारा सौभाग्य है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा है हमारे ऊपर में, जो हमको ये सौभाग्य मिला हमको निमित्त बना करके। और इस आर्य कॉलोनी के जंगल में यहाँ हजारों लोग आकर के राम कथा, जो ज्ञान गंगा है, उस ज्ञान गंगा में हजारों लोग आकर के डुबकी लगाए, और सब इतने सौभाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरु जी अतुल कृष्ण भारद्वाज जी जो कथा कहते हैं, तो लोग 5 घंटे हिलते नहीं हैं, लोग पूरा डूब जाते हैं कथा में और लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये ईश्वर की कृपा हम पर थी, मैं माध्यम बना, और यहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली हैं और उन लोगों के पुण्य का फल है कि इस जंगल में इतना बढ़िया राम कथा का। आज मेरी माँ का जन्म था, मतलब विवाह था, और मेरी माँ का विवाह हुआ उसमें राधे गुरु माँ आके साक्षात, मतलब समझिए कि माँ का ही साक्षात रूप
मुझे नजर आया राधे गुरु माँ में कि माँ जानकी ही मेरी अपनी सखी को भेजी हैं कि जाओ मेरी शादी में विवाह में और वहाँ जाके सब भक्तों के बीच में, मतलब साक्षात मेरी जानकी माँ ने ही उनको भेजा और राधे गुरु माँ आई। तो इतने सुंदर पावन भूमि पे श्री धर्मेंद्र ठाकुर जी ने हम लोगों को इतना सुंदर मौका दिया है कि बोलते हैं कि राम से भी सुंदर उनका नाम जब सुन लेते हैं तो सच में लोग उनके नाम से झूम जाते हैं। और उतनी सुंदर वातावरण में राधे माँ भी आ गई तो ये वातावरण और सुखद हो गया और सुंदर हो गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग कि सब आ रहे हैं और इतने अच्छे काम में साथ देना एक बहुत बड़ी बात होती है। राम भगवान श्री राम जी की जो कथा चल रही है और रमन्ते जोगिनाई तिरामा जो सबके मन में रमण करें वो राम कहलाते हैं। और राम नाम मणि दीप धरो जी देवरी द्वार भगवान राम का। और हमारी तो आज परम श्रद्धेया परम आदरणीय श्री राधे गुरु माँ जी भी यहाँ आई दर्शन की और भक्तों को भी दर्शन दिए और उनको भी दर्शन लिया। उन्होंने बड़ा उनका जो है आदर सत्कार किया और यहाँ की जनता भी उनको आदर सत्कार थी। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे धार्मिक कथाएँ पूर्ण होते रहें क्योंकि सब हाँ राधे माँ भी आई थी, उनको भी आज देखने का सौभाग्य मिला हम लोगों को। बाकी राम कथा का जो आयोजन है बहुत ही अच्छा, धनुष तोड़ने का प्रसंग था और इतना सुंदर अतुल जी ने कथा कहा कि उसका मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। और राधे माँ भी आई हुई थी यहाँ, उनका भी स्वागत किया गया, वो भी श्रद्धा भक्ति से आई, सबको अच्छा लगा, लोगों ने उनका भी स्वागत किया, काफ़ी अच्छे से स्वागत किया राधे माँ का। और अच्छी एक हस्ती हैं, धर्म से जुड़ी हुई हैं, लोग उनको मानते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी तरह जानता हूँ, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग अच्छा काम कर रही है, काफ़ी सालों से है मार्केट में। एडवर्टाइजिंग के शहर में काफ़ी सारे होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, मैंने देखा है।